बीजेपी ने बुरहानपुर जिले की नेपनगर सीट से विधायक सुमित्रा आकाशडेकर का टिकट काटा। उनकी जगह पूर्व विधायक मंजू दादू को प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद मंजू दादू ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। नेपनगर से भाजपा ने मंजू दादू पर फिर एक बार भरोसा जताया है। हमारे साथ मंजू दादू मौजूद है, आइए हम बात करते हैं। दीदी ये बताइए कि नेपनगर से पुनः भाजपा ने भरोसा जताया, क्या मुद्दे के बीच जनता के बीच जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही मुद्दा रहता है, सबका साथ सबका विकास, और इसी मुद्दे को लेकर मैं नीचे जमीन पर जनता के बीच में जाऊंगी। और मैं शीर्ष नेतृत्व के पूरे परिवार की तरफ से, दादू परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने फिर एक और बार मुझ पर भरोसा किया और इस भरोसे पे हम खरे उतरेंगे। दीदी और भी बहुत आप खुशी हुई है कार्यकर्ताओं को, जैसे आपका टिकट निकला हुआ है नेपनगर के अलावा बुरहानपुर में भी बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहोगे आप? ये परिवार है और जहाँ परिवार शब्द जुड़ता है तो वहाँ दुख हो या सुख हो दोनों में वो साथ रहता है। अब लगता है कि कम समय बचा है तो मेहनत ज्यादा है? समय तो वैसे हमेशा कम रहता है और वैसे नेपा विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है और हमेशा कुछ गांव रह जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा प्रयास करना है वापिस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। आपने देखा ये थे मंजू दादू, उनका कहना था कि पुनः एक बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। दिलीप नागौरी, IBC 24, बुरहानपुर।